गाइज वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट एनर्जीज़ के लिए। किस वक्त आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है, तो वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो लेट्स सी, रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते क्या आता है। रीडिंग में पॉजिटिव रहना है गाइज, एक जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है, आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप उसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। पॉजिटिव रहना है आपको। लेट्स सी कि करंटली क्या चल रहा है आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए। द मजिशियन, करंटली आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं गाइज, और थोड़े से अपसेट मुझे दिखाई देते हैं, थोड़े से परेशान हैं, और ये परेशानी मुझे थोड़ी सी इनके करियर की वजह से भी दिखाई देती है। और इनको ईगो इश्यूज़ भी है, मुझे यहाँ पर ऐसा भी दिखाई देता है जैसे कि ईगो का इशू रहता है आपके पार्टनर को। ओके, मैं कार्ड्स देख लेती हूँ पहले। एस ऑफ वॉन्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रिस्टेस एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स, बट ऑन द डेक्स एस ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स। सो गाइज यहाँ पर देखो, मुझे यही दिखाई देता है सबसे पहले कि हाँ अभी करंटली आपको याद कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एंड इसका असर आपको खुद के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। अचानक से आपके भी मूड स्विंग्स चल रहे होंगे, आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही होगी, क्योंकि पहले ही कार्ड यहाँ पर मजिशियन का है जो मैनिफेस्टेशन को बताता है। सो यहाँ पर इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर रहे हैं बिकॉज वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि वो आप ही को याद कर रहे हैं। थोड़े से अपसेट हैं, कुछ गलतियाँ इनसे हुई हैं जिस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा अपसेट फील कर रहे हैं। लाइक यू नो, मूड ऑफ हो जाता है ना इंसान को, लगता है यार मेरी गलती है कुछ चीज़ों को लेकर के, हमें फील होने लगता है, तो वही ये फील कर रहे हैं अभी। एंड इनको ऐसा भी लग रहा है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था, मे बी कुछ इशू रहे होंगे आप दोनों के बीच में। बट यस, यहाँ पर थोड़े से मुझे परेशान दिखाई देते हैं और काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं अपने, आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि प्रैक्टिकल हैं बहुत ज़्यादा, ईगोस्टिक भी हैं, जल्दी से सॉरी नहीं बोलेंगे, जल्दी से अप्रोच नहीं करेंगे, बहुत टाइम लेते हैं हर चीज़ में सोचने का। बट इस वक्त इनकी नज़र सिर्फ और सिर्फ आप ही के ऊपर है, इस वक्त तो ये सिर्फ और सिर्फ आप ही के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप भी शायद अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, आप भी अपने आप पर फोकस कर रहे हो, अपने काम पर फोकस कर रहे हो। सो ये कहीं ना कहीं देख पा रहे हैं एक तरीके से कि आपके अंदर के चेंजेस को भी ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्योंकि एक दिख जाता है कि एक इंसान के पहले कैसे बिहेव करता था, अचानक से जब चेंज आता है बिहेवियर में तो दिखाई देता है। तो उनको समझ में आ रहा है ये जो आपके बिहेवियर में चेंज है ना, यही चीज़ जो है आपके पार्टनर को ऐसा फील करवा रही है कि मैंने कुछ तो, मैंने गलती तो किया, क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं आप मना लेते थे या आप दोनों की बात हो जाती थी, लेकिन इस बार ही नहीं हो रही है। सो आई थिंक ये प्रॉब्लम यहाँ पर चल रही है, या हो सकता है कि आप दोनों की बात तो होती है लेकिन बहुत कम होती है, वो पहले जैसा नहीं रहा कनेक्शन, चेंजेस आ गए हैं। बट ये है कि आप भी और ये भी, दोनों ही आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट हो, बट अब भी आप दोनों ऐसा कर रहे हो, वो आपको नहीं जता रहे अपनी फीलिंग्स को, आप उनको नहीं दिखा रहे अपनी फीलिंग्स, आप दोनों ने कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को हाइड करके रखा है। आई फील आप दोनों ही ये काम करते हो, वो ये करते हैं आपको जेलस फील कराने का, आप भी करते हो उनको जेलस फील कराने का। अगर आप नहीं तो वो करते हैं, फिर वो नहीं तो आप करते हो, बट कोई एक तो है ऐसा जो कि जेलस फील कराने के लिए उटपटांग चीज़ें कर रहा है, कभी किसी से बात करता है तो कभी कहीं ऐसा शो करता है कि देखो मैं तो यहाँ बिजी हूँ इससे बात करो। सो आई फील ऐसा लगता है जैसे जेलस फील कराने की कोशिश की जा रही है, हो सकता है उन्होंने आपको जेलस फील करवाया हो, फिर आपने किया और उसके बाद में रिलेशनशिप में गड़बड़ हुई हो,
या ये गड़बड़ होने के बाद, मतलब आप दोनों के बीच में अनबन होने के बाद ये जेलस फील कराने का खेल शुरू हुआ है कि मुझे उसे अब जेलस फील करवाना है। सो वैसा भी मुझे यहाँ पर सीन दिखाई देता है। ये सब करते तो हो आप दोनों, मे बी कोई एक करता है या आप दोनों ही करते हो, लेकिन आप दोनों का ही दिल इस बात से दुखता भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा होता, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद जेलस फील करके कुछ तो रिएक्ट करे, कुछ तो रिएक्शन दे, तो वो चीज़ हो जाती है यहाँ पर। एंड इमोशनल हो आप दोनों, वैसे देखो अपनी लाइफ को लेकर के बहुत प्रैक्टिकल हो आप दोनों, लेकिन इस रिश्ते के लिए कहीं ना कहीं इमोशंस रखते हो आप भी और वो भी। और शायद ये पहली बार है आपकी साइड से कि आपने कभी किसी के लिए इतने इमोशंस रखे हैं, वरना आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली चलते हो, करियर ओरिएंटेड हो। सेम वही चीज़ उनका भी है। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि जो जो भी चीज़ चल रही है ना आप दोनों के बीच में, उसकी वजह से उनका भी दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है और आपका भी दिल बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। आप उनके बारे में सोचते हो, वो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन वही है कि वो चीज़ें एक्शंस में दिखाई नहीं दे रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। फीलिंग्स ऐसी हो रखी हैं कि दूर होकर के ज़्यादा याद आती है, दूर होकर के ज़्यादा जो है ऐसा लगता है ना कि दूर होने से सब भूल जाएगा इंसान, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जितना कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की या दूर रहने की, उतना ज़्यादा अट्रैक्शन हो रहा है, उतना ज़्यादा जो है ऐसा लगता है कि हम उनकी तरफ खींचे चले जा रहे हैं। तो ऐसा ही फील हो रहा है यहाँ पर। हो सकता है आपका कनेक्शन बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी रोमांटिक टाइम आप दोनों ने एक दूसरे के साथ स्पेंड किया है। सो दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या होगा कनेक्शन में, क्या फिर से सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी या ऐसे ही चलता रहेगा। तो ये बहुत सारी उलझनें हैं, बट डोंट वरी गाइस, क्लियरिटी मिल जाएगी, ये मुझे दिखाई देता है। रिकॉन्सिलेशन है इस कनेक्शन में, आप दोनों फिर से मिलोगे, बिकॉज खास एनर्जी यहाँ पर ये है कि आप दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हो। छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, तो थोड़ा थोड़ा थोड़ी बहुत अनबन, थोड़ा बहसबाजी चलती रहती है, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ पर वही है एनर्जी कि बस कुछ टाइम का ही है ये, बस इतना मान लो आपकी कोई एक स्टेप नहीं ले रहा, और जिस दिन जिसकी एनर्जी हाई हो गई वो स्टेप ले लेगा और सब ठीक हो जाएगा। वो वेटिंग पे कि आप लोग कोई एक्शन, आप वेटिंग पे हैं कि वो लें कोई एक्शन, बस यही हो रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, वहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है। ये आपका दोनों का सोल कनेक्शन है यहाँ पर। कपल्स है, परफेक्ट मैच हो आप दोनों एक दूसरे के लिए, बट कभी कभी कहीं ना कहीं ईगो आप दोनों का टकरा ही जाता है, ईगो क्लैशेस हो ही जाते हैं। बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन है एक दूसरे की तरफ, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि मैं उसके बिना रह नहीं सकती या उसके बिना रह नहीं सकता। सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ होती है, उनको भी कभी कभी ऐसा लगता है। उदास है वो, बाहर से दिखाते हैं बहुत खुश हैं, हैप्पी हैं, सब बढ़िया चल रहा है लाइफ में, लेकिन अंदर से दुखी हैं, खुश नहीं है। बैलेंस कहीं ना कहीं अभी नहीं बना पा रहे हैं अपनी लाइफ में, बट चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। एंड द लवर्स का कार्ड है यहाँ पर, उनको भी आपकी याद आ रही है, वो भी आपके लिए तड़प रहे हैं जैसे आप उनके लिए तड़प रहे हो, क्योंकि ये वही एनर्जी है, एक पैशन को बताती है। पैशनेट तो हो आप दोनों एक दूसरे के लिए। एंड यस, यहाँ पर हाई एनर्जी, टेन ऑफ कप्स, आई थिंक आप दोनों फ्यूचर देखते हो एक दूसरे के साथ, शादी करना चाहते हो, बिकॉज आपको एकदम सब ठीक लगता है। और कभी कभी छोटा मोटा तो चलता है, कोई नहीं, उसकी इतनी टेंशन नहीं है, बट टेंशन ये है कि देखो एक दिन दो दिन बाद बंद होती है, इंसान को लगता है अरे ये क्या हो गया, हफ्ते भर रुक जाएगा वो, महीने भर रुक जाएगा, उसके बाद उसको डर लगने लगता है कहीं कनेक्शन को खो ना दे। तो वही चीज़ हो रही है यहाँ पर भी, बट डोंट वरी गाइज, मैनिफेस्टेशन से यहाँ पर वर्क करेंगी। आई फील आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो गाइज, कुछ चीज़ें तो आप इनडायरेक्टली मैनिफेस्ट कर लेते हो। आपने जैसे आज सोचा कल पूरी हो गई, दो दिन पहले सोचा था तीसरे दिन पूरी होगी, तो आप अच्छे अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलो कि आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो, आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हो। तो आप गिव अप मत करो, हार मत मानो, आपको मैनिफेस्टेशन करनी है अपनी, मैनिफेस्ट कर लोगे आप इनको, डोंट वरी। खुश रह करके करोगे तो ऑफकोर्स आप कर लोगे, ठीक है, खुश रह करके ही करना पड़ेगा। एंड आप में से कुछ लोग आई थिंक कर भी रहे हैं, लेकिन कंफ्यूज भी हैं कि पता नहीं आएंगे या नहीं आएंगे, तो कंफ्यूजन हटा दो, ब्लॉकेज ही आ रहा है बस आपकी मैनिफेस्टेशन में। बस ये कर लो कि आएंगे ही आएंगे, आना ही पड़ेगा और खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कंफ्यूजन दूर कर दो, बाकी तो एनर्जी सही लग रही है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादा परेशान नहीं होना यहाँ पर कि अरे ये क्या हो गया करके, सब ठीक है।
छोटी मोटी चीज़ें तो चलती रहती हैं, थोड़ा बहुत होता रहता है। पेशेंस द टेम्पल पाथ हीलर ऑफ द एजिस एंड मजिशियन इन द मिरर। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो सकता है आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो, और तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हो ऑफ कोर्स आपकी प्रे सुनी जा रही है, अगर नहीं कर रहे हो तो प्रे करना शुरू कर दो, प्रेयर से ही सब चीज़ें अच्छी होंगी, प्रार्थना करो, पेशेंस रखो थोड़ा सा, सब चीज़ बढ़िया ही है, ठीक है। हीलर ऑफ द एजिस का कार्ड है, हील तो होगी चीज़ें, जो गड़बड़ चल रही है ना गाइस ठीक हो जाएगी, यहाँ पर मैसेज ही है, ठीक है। आप दोनों का सोल कनेक्शन है, डेफिनेटली आप दोनों फिर से मिलोगे, बट प्रेयर करना मत भूलना, सबसे खास मैसेज तो ये है। एक पीस क्रिएट करो, सबसे पहले तो शांत रहो, पॉजिटिव सोचो कि हाँ जो आप प्रे में मांग रहे हो वो मिलेगा, ये भरोसा रखो, एंड देन प्रे करो, ठीक है। चीज़ें हील होंगी, ये मुझे दिखाई देता है, चीज़ें हील होते हुए मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर। आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं वो भी मैं देख लेती हूँ एक बारी। वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं लेकिन अभी उनका दिल दुखा हुआ है, क्योंकि उनसे चीज़ें संभाली नहीं जा रही हैं, अभी जो चीज़ें चल रही है वो संभाल नहीं पा रहे, उनको समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे डील करूँ, और उनका हार्ट ब्रेक है अभी, मतलब दिल दुखा हुआ है, खुश नहीं है। आपको एक अबंडेंस की तरह देखते हैं लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हो रही है और समय निकलते जा रहा है वो थोड़ा सा इनको डराता है कि पता नहीं क्या होगा। लाइक आप ये कह सकते हो कि कभी कभी हमारा ऐसा होता है ना, हम सिचुएशन से डील ही नहीं कर पाते, हम कश्मकश में फंस जाते हैं कि ऐसा करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, करूँ कि ना करूँ, और एक मन कहता है कर जा, एक मन कहते हैं नहीं नहीं मत कर, सो उसी कश्मकश में कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं आपके पार्टनर, जो कि यहाँ पर दिखाई देता है। ओके उलझन हो जाती है कई बार लाइफ में, उसी उलझन में है ये भी। ट्रू लव, क्राइंग एंड डिप्रेशन, नथिंग टू वरी अबाउट, आपकी एनर्जी मुझे ज़्यादातर मिलती है यहाँ पर। न्यू लव गाइस, यहाँ पर देखो कहीं ना कहीं मुझे से दिखाई देता है कि आपके जो आप और आपके पार्टनर दोनों का मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप दोनों ही ना काफ़ी परेशान रहते हो, मे बी कई बार रोने लग जाते हो कुछ चीज़ों को याद करके, डिप्रेशन सा फील कर रहे हो, बिकॉज ऐसा फील होता है आपको कि वो मेरा ट्रू लव है, उनको ऐसा फील होता है कि आप उनके ट्रू लव हो। आप दोनों एक दूसरे को समझाते हो कोई बात नहीं सब ठीक हो जाएगा कुछ नहीं, तो यहाँ पर ना ये चीज़ रखो भी, यह सब कुछ ठीक तो होगा ही डेफिनेटली, क्योंकि यहाँ पर प्यार मुझे दोनों साइड से दिखाई देता है, यूनियन दोनों साइड से मुझे प्यार दिखाई देता है, बस थोड़ा सा अभी सोच जो है वो थोड़ी अलग जा रही है, बाकी सब ठीक है, वो थोड़ा अलग सोच रहे हैं, आप थोड़ा अलग सोच रहे हो, डोंट वरी, इस कनेक्शन में जो जैसे ये कनेक्शन पहले था ना, और जिस तरीके का प्यार आप दोनों के बीच में था, जिस तरीके का बॉन्ड आप दोनों का था, इस कनेक्शन में फिर से पहले जैसी चीज़ें होने वाली हैं। आई थिंक कि पहले से बेटर होंगी चीज़ें, ठीक है, पहले से भी बेहतरीन और चेंज आपको देखने को मिलेंगे, कि पहले जैसे था ना उससे भी ज़्यादा अच्छा है। ऑलराइट, बिकॉज इस टाइम पे पता है क्या हो रहा है, इस टाइम पर आप उनकी वैल्यू और वो आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये शख्स मेरी ज़िंदगी में, उसके बिना मेरा मन नहीं लग रहा, उसके बिना मैं खुश नहीं हूँ। सो इसमें वैल्यू पता चलेगी कि भाई उस शख्स की वैल्यू क्या है मेरी ज़िंदगी में, और उस शख्स को भी पता चलेगी कि आपकी वैल्यू क्या है उनकी ज़िंदगी में। तो कुछ भी चीज़ होती है ना उसको पॉजिटिवली लो, पॉजिटिवली सोचो, क्योंकि वो कुछ पॉजिटिव चेंज के लिए ही होती है, तो सेपरेशन भी हुआ है तो वो भी इस कनेक्शन में पॉजिटिव चेंज के लिए हुआ है, ताकि आप दोनों एक दूसरे की वैल्यू को बहुत अच्छे से समझ सको। अगर सेम चीज़ चलती रहती तो आई थिंक उतना वैल्यू को नहीं समझ पाते,
क्योंकि जब तक चीज़ें मिल रही होती है ना, जैसे मान लो कि खाना जब तक मिल रहा है तो इंसान तरह तरीके के नखरे लगाता है, लेकिन जब खाना ना मिले तो तब पूछो, कुछ भी मिल जाए खा जाएंगे। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर कि वैल्यू तब पता चलती है जब वो चीज़ नहीं होती हमारे पास, और जब होती है चीज़ें हमारे पास तो हम उसकी कभी कदर नहीं करते। तो यही है कि यहाँ पर भी आई थिंक वही चीज़, वही लेसन सिखाया जा रहा है। तो यस, यहाँ पर अच्छे पॉजिटिव चेंजेस होंगे। ओके, जो भी चेंजेस होंगे पॉजिटिव होंगे। आपके पार्टनर की तरफ से मैसेजेस देख लेते हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू। देखो, इनको आपके टाइम की और कमिटमेंट की ज़रूरत है, या आपको खोना नहीं चाहते, या हमेशा आपको अपने पास रखना चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि हम मिले एक दूसरे से इसलिए क्योंकि हम एक दूसरे के लिए बने हैं, ठीक है, इनको ऐसा लगता है। एंड इनको बिल्कुल नहीं पसंद ये चीज़, जब आप इनको इग्नोर करते हो तो ये चीज़ इनको बहुत बुरी लगती है, इनको अच्छा नहीं लगता। ये चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, इनका ये कहना है कि मुझे चीज़ें ठीक करनी है, चाहते यही है कि मैं चीज़ों को ठीक करूं। ये इस कनेक्शन को, प्यार को छुपा के नहीं रखना चाहते, बल्कि पूरी दुनिया के सामने उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं। अगर इनकी कुछ ट्रस्ट इश्यूज आए हैं तो ये आपका ट्रस्ट फिर से जीतना चाहते हैं, आपका विश्वास फिर से जीतना चाहते हैं, ये आपके सपने देखते हैं। एंड समझ रहे हैं इस कनेक्शन को, ये कि ये कनेक्शन कुछ अलग है, कुछ खास है, कुछ डिफरेंट है, एंड आपके बिना ये खुश नहीं है। तो ये चीज़ इनको समझ में आ रही है, एंड इनको ऐसा फील होता है कि आप इनसे मूव ऑन कर रहे हो, बट ये वेट कर रहे हैं आपका, ऐसा है कुछ। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? बी असर्टिव, यस असर्टिव रहो गाइज, रिकवरी भी है और रोमांस भी है, तो सब ठीक होना है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स का यहाँ पर टाइम आया है कुछ लोगों के लिए, मे बी मंथ हो सकते हैं। एंड बस यहाँ पर मैं यही कहूँगी कि असर्टिव रहो, पॉजिटिव रहो, प्यार जो आप डिजर्व करते हो वो आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, बहुत अच्छे चेंजेस के साथ आ रहा है, रिकवरी भी है यहाँ पर, चीज़ें ठीक भी हो रही हैं। सो डोंट वरी, हो सकता है नेक्स्ट मंथ ही सारी चीज़ें ठीक हो जाए या इस मंथ के एंड तक। तो आपको बस यही रखना है अपने दिमाग में कि पॉजिटिविटी को रखना है, क्योंकि आप एक अच्छे मैनिफेस्टर हो, तो इस बात का ध्यान रखो कि अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आप उसको भी मैनिफेस्ट करोगे, क्योंकि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स अच्छी हैं, मैनिफेस्टेशन एनर्जी अच्छी है। कुछ लोगों के पास एक गॉड गिफ्ट होता है, पता है, कि उनकी मैनिफेस्टेशन ऐसी होती है कि आज सोचते कल पूरी हो जाते, 2 दिन बाद पूरी हो जाते, 3 दिन बाद, बहुत जल्दी वो मैनिफेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि शायद वो सधे हुए लोग होते हैं, शायद उनका कुछ ऐसा लाइक चीज़ों को सोचने का, फील करने का, ऑब्जर्व करने का कुछ ऐसा तरीका होता है जो कि वो मैनिफेस्ट होता ही होता है, क्योंकि मैनिफेस्टेशन में चीज़ें बेटर करती है, आप क्या सोच रहे हो, आप कैसा फील कर रहे हो, कितनी शिद्दत के साथ फील कर रहे हो, तो ये चीज़ें मैटर करती हैं मैनिफेस्टेशन के दौरान। अगर ये तीनों चीज़ें परफेक्टली हो जाए तो मैनिफेस्टेशन पूरी होती है और बहुत जल्दी होती है। सो अपने ऊपर ध्यान दो, अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन डिले होगी। सो अपने फोकस करो पॉजिटिविटी पर ज़्यादातर। सो यहाँ थैंक यू सो मच गाइज, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग, आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।